सो हेलो एवरीवन, आज का सेशन अपने आप में जबरदस्त होगा। दैट सेशन, ये सेशन जो होगा ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, राइट है ना? आप भी कहोगे कि अरे वाह मजा आ गया। इससे पहले मुझे एक बात बताएं, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? इफ एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू क्लियरली, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन यस सर, आपकी आवाज, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है। एक बार मुझे चश्मा क्लीन कर दे दो। आज आपको गदर पढ़ाऊंगा, राइट है ना? इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आप भी कहोगे कि यस सर, मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो रहा है, जिस प्रकार जो पैटर्न यूपीएससी चाहती है, राइट है ना? उससे पहले मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, मैं चाहता हूं कि सभी लोग सेशंस को एक बार शेयर कर दें, राइट है ना? सेशंस को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें, राइट है ना? क्योंकि आज के ऑडियो वीडियो इज क्लियर, राइट है ना? क्लियर है, सबको क्लियर है, इजिट क्लियर है? सभी लोग सेशन के पर सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए वंस अगेन, क्योंकि ये सेशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आराम से चिपक के बैठ जाओ, राइट? हिलना तो नहीं है, किसी को कहीं जाना तो नहीं है, कोई जरूरी तो नहीं है, या आपको कोई जरूरत तो नहीं है मेरे पैर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, या किसी को किसी भी चीज का कोई, एक बार मुझे भी थोड़ा शेयर कर दे। एक बार आप भी शेयर कर दीजिए, एक बार मैं भी शेयर कर देता हूँ। प्लीज प्लीज, एक सेकंड एक सेकंड, क्योंकि अगर मिस हो गया तो समझो कि बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, राइट है? चल, सभी लोग शेयर कर दिया होगा। चलिए, ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यू ऑल आर रियली वेलकम ऑन दिस। सर चिपक के बैठ गया, आवाज कट रही है सर, आवाज नहीं कटनी चाहिए। आवाज क्लियर है, राइट सर? हाँ, आवाज क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन लेट्स क्रैक यूपीएससी, राइट है ना? एंड यू ऑल आर वेलकम लेट्स क्रैक यूपीएससी। अभी तक जो यूपीएससी ने जिस पैटर्न को चेंज किया है, हमारी क्लास उसी पैटर्न पे चल रही है, राइट? एक बात ध्यान सुन, कान खोल एक बात सुन लो, चाहे आप कितना भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे एससी हो, एथिक्स हो, ऑप्शनल हो, राइट है ना? अगर आपने, राइट है ना, अगर आपने आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस इज नॉट क्लियर, क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? आवाज अभी नहीं आ रही, आवाज ही चेक करो। हेलो, एक सेकंड रुको, तो एक सेकंड रुको, अब चेक करो, तो आवाज आ रही है? हेलो, अब वॉइस क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है अच्छे तरीके से? चलो, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, आपने फ़ोन किया सारंग कुमार, ठीक है? चलो, अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, ऐसी कॉल करके बता दिया, राइट? जिसके पास नहीं है मेरा व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम, देखो भाई ये प्रतिज्ञा बैच वैच है, जो भी बैच आपको ज्वाइन करना हो अन अकेडमी पर आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप एक ही चीज़ ध्यान रखना, आप सभी को एक ही चीज़ पता होना चाहिए कि अन अकेडमी पे किसी का भी कोई भी कोर्स देख सकते हो, कोई भी एजुकेटर है, राइट है ना? किसी भी बैचेज को देख सकते हो, किसी का भी कोड यूज करोगे सेम ही डिस्काउंट मिलेगा, राइट? किसी का भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, राइट? तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है, राइट है ना, सब कुछ अच्छा लगता है, तो आप मेरा वाला कोड जरूर यूज करो, इस कोड को यूज करो, चाहे आप हो चाहे आपके दोस्त, फ्रेंड सर्कल, कोई भी, इस कोड का ध्यान रखना। कभी कभी कोई बच्चा कहता है SK10, राइट? SK10 नहीं, राइट, ये नहीं है ना, SSM सर आप लगाना, ये सब नहीं है, ओनली SKS, एक एक लेटर को ध्यान से लिख लीजिए, SKS10, राइट? और
कोड को यूज करने से पहले आप चाहो तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप पे, मेरे टेलीग्राम पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, राइट। किसी भी एजुकेटर का कोड यूज करने से पहले, या कोई भी बड़े बड़े एजुकेटर आप देखते हो आपको लगता है तुमसे एक बार बात कर लो, आपकी क्या बात उनसे डायरेक्टली हो रही कि नहीं हो रही, ऐसा ना हो आपके साथ वादा तो किया जा रहा है फिर बात ही ना हो, राइट। आप मेरे से डायरेक्टली बात करके मेरे साथ आप मेरे कोड को यूज करके आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हो, जितना हो सकता मैं गाइड करूँगा, राइट। क्या है आपका ऑप्शन एक बार मुझे बता देना, एजुकेटर ने मेरा बताने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, है ना, इतना टाइम नहीं है। चलिए ठीक है, शुरुआत करता हूँ। अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ा दिया एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सभी लोग सेशंस को लाइक करो यार, वॉइस सही नहीं अभी भी क्या रहा कोई बच्चा, वॉइस क्लियर है ना, वॉइस तो क्लियर है ना, ऐसे मत बोलो प्लीज़ यार, देखो डिस्टर्ब मत करो प्लीज़, सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। सर मुखर्जी नगर आए रहने का वास्ता, राइट है ना, चलिए चलिए नेट आराम से, क्योंकि देखो मैं पढ़ाने के मूड से लंबा क्लास लेना है, राइट है ना। मैं भी बता दूँ आपको ये क्लास काफ़ी थोड़ी सी लंबी तो चलेगी चलेगी, क्योंकि कल भी नहीं हुई थी क्लास, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर मेरे लिए भी ऑड होगा, राइट है ना, और आपके लिए भी ऑड हो जाएगा, क्योंकि 5-6 मिनट ऐसे ही हमारे ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। चलो देखो आज के सेशन में हम सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे, राइट है ना, जो हमारा यहाँ जो अभी जो हम लोग जो चल रहा है, राइट है ना, वो है हमारा अभी नंबर सिस्टम। लेक्चर नंबर बताना, राइट, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। एक बात और बता दूं, अगर आपने पीछे अगर आपने लाइव नहीं भी देखा, अगर आपने लाइव नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, कोई दिक्कत, लेकिन अब यहाँ से देखो लाइव, राइट, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर में भी, राइट, इन द नंबर सिस्टम मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल, राइट, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, राइट, विभाज्यता के नियम, राइट, विभाज्यता का नियम, राइट। यस, देखो मेरे प्यारे बच्चे, चाहे कुछ भी हो, राइट, चाहे कुछ भी हो, यूपीएससी आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगी पूछेगी। इस बार भी यूपीएससी इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में पूछी थी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में कि कहाँ से, 2023 की ही बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से यूपीएससी को बहुत लगाव है, राइट। तो बेसिकली नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी का रूल क्या क्या होता है, राइट, जैसे कुछ बच्चों को चाहे 1 का हो गया, 1 का तो चलो आता ही नहीं है सबको, राइट, पता ही है, 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 9 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 13 का हो, राइट है ना, चाहे 37 का हो, ओके, चाहे आपका 45 का हो, चाहे 66 का हो, चाहे 33 का हो, चाहे 88 का हो, चाहे 72 का हो, चाहे 99 का हो, चाहे 120 का हो, चाहे जो भी हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। इन सभी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, चाहे आपका 1001 का हो, चाहे 101 का हो, राइट, सभी पे लेकर के जितना यूपीएससी पूछ चुकी है या जी इससे आगे पूछेगी, हम सभी को कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके। सर कल का क्वेश्चंस बता दी, क्या क्वेश्चन था कल का, राइट, आराम से चिकन, आराम से चिपक के बैठे रहो, आराम से चिपक के बैठे रहो, ठीक है। देखो मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, राइट, एक बात तो आप सभी को मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, एक पॉइंट तो आप सभी को क्लियर होगा सबको, राइट है ना। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे मान के चलो कि मैंने 2 लिखा, तो क्या आप 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हो, यस या नो? क्या आप 4 को, क्या आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो? क्या आप 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो? क्या आप 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो, यस या नो? क्या आप 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हो? क्या आप 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हो? क्या आप 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हो? या आप 256 को 2 की पावर 8 लिख सकते हो, राइट। इस पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, राइट है ना, जो जो चीज़ें मैंने आपको जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, उन उन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, उन उन चीज़ों को ध्यान से देखिए, राइट। अगर आपका ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे, राइट, अगर आप ध्यान से देखो, ओके, अगर मान लो, राइट है ना, अगर आप, मैं ब्लैक से ही लिखूँ क्या, किस पेन से लिखूँ, इससे लिखता हूँ, राइट। अगर मान लो कि आपका डिविजिबिलिटी बाई 2 पूछा जा रहा है, डिविजिबिलिटी 2 का इसका मतलब डिविजिबिलिटी बाई 2 हो गया, डिविजिबिलिटी 2 बाई 2 का पूछा जा रहा है, तो ये पावर 1 पे ध्यान दो, पावर 1 पे ध्यान दो, राइट, लास्ट 1 डिजिट, अंतिम 1 अंक, डिवाइडेड किससे हो, आपका 2 से हो,
दो से हो, राइट, दो से हो, या अभी पहले राइट डाउन कर लो ऐसे, फिर बताऊंगा। डिविजिबिलिटी बाय फोर का मतलब होगा, फोर का मतलब पावर में कितना है, दो लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, लास्ट दो डिजिट अंतिम दो अंक डिवाइडेड बाय चार, चार है तो चार, डिविजिबिलिटी बाय एट, एट को आप क्या लिख सकते हो, टू की पावर थ्री, लास्ट थ्री डिजिट अंतिम अंतिम तीन अंक डिवाइडेड बाय एट। आराम से बैठो, आराम से सभी लोग नोट डाउन करते चलो। सर साउंड क्लियर नहीं आ रही है। अरे यार ऐसे मत बोलो, पता है मेरा मेरी आत्मा जो है ना फटकने लगती है ऐसे बोलते हो, ठीक है ना। किसको किसको साउंड क्लियर नहीं आ रही है एक बार मुझे बताना, राइट, है ना। अगर कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको मेरी साउंड ठीक आ रही है, राइट, जिसको मेरा साउंड ठीक आ रहा है वो SKS10 कोड का रिप्लाई करना, जिसको नहीं आ रही है वो SP Shah कोड का रिप्लाई करना, एक बार मुझे बताओ तो सभी लोग, एक बार मुझे बताओ तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग एक बार मुझे बताओ तो मेरे प्यारे बच्चे, वन सेकेंड, सभी लोग जितना मैं बातें कह रहा हूँ सेशंस को एक बार सभी लोग लाइक भी करते रहिए मेरे प्यारे बच्चे, राइट। अगर आप सेशंस को लाइक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मुझे लव भी करते हैं, जब लव करते हैं तो इसका मतलब मेरे सेशंस को आप लाइक एंड लाइव भी अटेंड करोगे, राइट। मैं देख रहा हूँ आप सभी बच्चों को, मैं देख रहा हूँ आप सभी बच्चों को, आवाज़ क्लियर आ रही है, आवाज़ सही आ रही है बेटा। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, राइट। मेरा टेलीग्राम है CSAT by Sanjay Kumar Shah, राइट, CSAT by Sanjay Kumar Shah, सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा चिपक के बैठो, राइट, है ना, इतना टाइम नहीं है, राइट, है ना। जिसको भी नाटक फाटक करना है यहाँ से चुपचाप भाग जाओ, राइट, है ना, नहीं तो क्लास में उठा के फेंक दिया जाएगा, ठीक है। हमारे क्लास में दो चार सिपाही बैठे हुए हैं, ठीक है। 18 फिर 6, 8 का मतलब 6 है, 16 का देखो, अब खुद ही सोचो, देखो खुद ही सोचो, खुद से जरा ब्रेन यूज करो, डिवाइड बाई, अब 16 का पूछना हो तो 16 को आप क्या लिखे हो, 2 की पावर 4, तो अब आप क्या होगा यहाँ पे, लास्ट 4 डिजिट डिवाइड बाई 16, ध्यान से देखो। अगर मान लो 32 पूछा है, अगर क्या है 32 है, क्या 32 है, अगर डिविजिबल बाई रूट अगर 32 का पूछा जाए तो क्या करोगे, लास्ट में 32 को क्या लिखा है, 2 की पावर 5, लास्ट 5 डिजिट डिवाइड बाई 32। आपके UPSC में जो है ना, आपके UPSC में यहाँ तक ही पूछ सकती है, बहुत पूछ सकता है, 2 का 4 का 8 का, हो सकता है तो 16 का, 32, 34, 128, 256 का नहीं पूछ सकती UPSC, लेकिन फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको पता है पिछले महीने हम लोग कंप्लीट अभी तक नंबर सिस्टम ही पढ़ा, राइट, है ना। लास्ट मंथ पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पढ़े, राइट, कोई इतना डिटेल नहीं पढ़ाएगा, अभी भी जितना पढ़ाया हो ना वो केवल 22% है, अभी 78% बाकी है, ओके, क्लियर, क्लियर सर। सर NCERT कब, सीमन कुमारी NCERT बेटा हो जाएगा, अभी पहले इधर फोकस करो, सब कुछ कराऊंगा पहले, अभी यहाँ तो फोकस करो, NCERT की भी मैं लगा हुआ हूँ उसी में, है ना, NCERT में। अभी थोड़ा हेल्थ खराब हो गई थी, हेल्थ की वजह से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, राइट, लूज मोशन उशन सब हो गया मेरे को, है ना, इसलिए मैं थोड़ा आराम से, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे बच्चे, राइट। अच्छा, अगर डिविजिबल बाई 64 पूछा जाएगा तो क्या करोगे, कितने लास्ट, कितना होना चाहिए लास्ट के, कितने डिजिट में आप डिवाइड करोगे 64 से, ये मुझे बताओ। अगर 128 है तो कैसे चेक करोगे कि 128 से कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं है। अगर 256 हो तो कैसे चेक करोगे कितने डिजिट, राइट, इजिट के लिए, राइट, हाँ इजिट के लिए सर मेरी NCERT, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग, राइट, टेलीग्राम लिंक को सब लोग ज्वाइन कर लेना, राइट, सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में अभी कहूँगा सभी को CSAT by Sanjay Kumar Shah, CSAT space Sanjay Kumar Shah, और कल से आपको रेगुलर इस टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, CSAT space portal, वहाँ पे आपको इस टॉपिक के रिलेटेड
क्वेश्चंस मिलेंगे डेली, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए सीजैट स्पेस पोर्टल। क्लास के बाद ही हो सकता है तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से चेक करो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो देखो ठीक है, इसको नोट डाउन सब लोग आराम से करते चलो, फरफराओ नहीं राइट। जैसे कि मान लो अगर मान लो कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये मान लो 11 डिवाइड बाय, मान लो आपका आपका 8 है, राइट, 8 है, तो आप इसमें कैसे डिवाइड करो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 35, 36 डिवाइड बाय 4 हो, राइट डिवाइड बाय 4 हो, ओके, डिवाइड बाय क्या हो आपका 4 हो, क्या दो ये क्या करोगे, क्या करना है तुमको, इसको छील दूँ, इधर देखो पहले, इधर बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल 35, 36 डिवाइड बाय 4, ठीक है, डिवाइड, अरे तुम शोर मत करो, तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं कैसे छीलूँ, ये पहले पढ़ाने तो दो, आप पढ़ाते ही नहीं देते मुझे, आप चले जाओ ना, पढ़ाने तो दिया करो, जाओ ना क्लास से चले जाओ ना, हाँ यहीं पे सो जाओ, वाह, देखो फिर से देखो, राइट, जैसे मान लो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ 8285727961, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, राइट, डिवाइड बाई मान लो आपका 16 है, डिवाइड बाई 16 है। अब देखो कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे कैसे, राइट, है ना, कैसे कैसे, या मान लो मैंने यहाँ पे मान लो कि भाई साहब मान लो कि 10, 11, 12 राइट, है ना, राइट, डिवाइड बाय मान लो आपका यहाँ पे मैंने 8 लिखा है, राइट, अब आपके यहाँ से इस टाइप के चीज़ों को देख करके, है ना, देखें दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन दो टाइप, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई साहब रिमाइंडर क्या है, यस या नो, मैंने आपको रिमाइंडर पढ़ाया, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या है, आपको पता है कम्प्लीटली डिविजिबल और शेषफल, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीसैट में पूछे जा चुके हैं, यस या नो। अब आप देखो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे, अब आप ध्यान से देखना, राइट, ओके, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, राइट, है ना, ध्यान से देखो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट, कम्प्लीटली डिविजिबल, आप चेक करना, रिमाइंडर चेक करना, तो डिविजिबल बाई 8 का मतलब क्या होता है, राइट, डिवाइड बाई 8 का मतलब क्या है, डिस्टर्ब हो रहा है क्या, आवाज़ नहीं आ रही है क्या, सब वीडियोस क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है, हेलो लाइट ज़्यादा आ रही है ना, हाँ, अरे ओहो लाइट कहाँ से ज़्यादा आ रही है, एक सेकंड रुकना, अब देखो तो क्लियर आ रही है, इतना लाइट ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए, एक सेकंड रुको तो, हटो तो अभी तुम चले जाओ, तो जाओ डिस्टर्ब मत किया करो, अब देखो तो ठीक है, विजिबल हो रहा है, इतना ज़्यादा लाइट तो पहली बार आ रहा है, ऐसे तो कभी होना नहीं चाहिए, अब ठीक है, अब विजिबल हो रही है, सेंटर में लाइट कहाँ से ज़्यादा आ गई, हमको भी यह समझ में नहीं आ रहा, ओहो पता है, रुको, ये कैमरे में जो है ना वो कुछ हो रहा है, सॉरी थोड़ी देर रुको, ये कैमरे में प्रॉब्लम आ रहा है, कैमरे की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जितना थोड़ा ज़्यादा यह हीट होगा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर आप ऐसे ही रुकिए, थोड़ी देर आपको ये परेशान ज़रूर करेंगे, थोड़ी देर ये आपको बोर्ड के ऊपर बीच, नहीं नहीं उससे कोई इशू नहीं है, एक्चुअली क्या कैमरे के अंदर जो है ना भाप चला गया है, एक सेकंड रुक जाइए, इससे कोई इशू नहीं है, वो कैमरे के अंदर जो है ना भाप चला, थोड़ी देर रुक जाओ, अपने ऑटोमेटिकली ये हीट होगा, ऑटोमेटिकली ये क्लीन कर देगा, अब तो ये ज़्यादा बनाएगा, ठीक है, बच्ची की पेंसिल कैसे चला दो उसमें, थोड़ी देर रुकना, अब फरफराओ नहीं, राइट, है ना, अभी ये होगा, ये एक सेकंड रुको जरा मुझे देखने दो, ये ऐसे तो नहीं होता, कभी कभार हो जाता है उसके अंदर, एक सेकंड रुकना, अब देखो अब हो रहा क्लीन, अच्छा अभी भी नहीं हो रहा,
अरे हम कैसे पढ़ाएं जब आपको दिखेगा ही नहीं तो कैसे पढ़ाएं। रुको तो पहले, ये हो जाता है कभी कभार, ऐसा इश्यू हो जाता है कभी कभार हो जाता है। अभी तुम जाओ तो यहाँ से डिस्टर्ब मत करो, आप चले जाओ। ये लो आप अपना पेंसिल, पेंसिल कहाँ गया, यहीं तो था, पेंसिल यहीं था ना। अभी आप चलो डिस्टर्ब मत करो, जाओ लो जाओ क्लास है, ठीक है ठीक है। एक सेकंड थोड़ा रुकिए रुक रुके। हाँ ये क्लास डेली होती है, एक सेकंड। डेस्क के ऊपर चला गया वो, अंदर कैसे। पानी वानी तो नहीं घुस गया। चलो नहीं विजिबल हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं विजिबल हो रहा है। नहीं नहीं लाइट ऑफ करने से नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली ठीक होगा। अभी 10-15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। वो हीट होगा ना तो हीट से अपने आप ठीक हो जाएगा। वो हो सकता है किसी चीज़ की वजह से वो हो जाता है, ऐसा कुछ कुछ ऐसा इश्यू होगा। कोई बात नहीं, कल मैं कंपनी को रेज करूँगा, ठीक है ना। देखिए अब आपको विजिबल हो जाएगा। मैं रेड पेन यूज करता हूँ। देखो अगर मान लो ये डिविजिबिलिटी बाई फोर है तो फोर का मतलब लास्ट का टू डिजिट, राइट। तो आपको लास्ट का टू डिजिट में चेक करना है, किस में, 36 में। तो 36 डिवाइड बाई फोर, यस। इसका मतलब ये नंबर जो आपको, इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, इधर के आपके इतने नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाई फोर पूछे तो लास्ट में टू डिजिट आपको देखना है, राइट है ना। अब देखो 16 है, अब क्या है आपका, ये 16 है, राइट। तो 16 का मतलब क्या होगा, राइट है ना। ऊपर वाली लाइट बंद कर दो। अरे इससे कोई इशू नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये मुझे पता है, लाइट से कोई मतलब ही नहीं है वो, राइट। देखो अगर 16 है, राइट है ना, तो 16 का मतलब क्या होगा, 16 का मतलब क्या होगा, 16 का मतलब होता है, जैसे 16 का मतलब क्या होता है, 16 में अगर आप देखोगे, देखो 16 में क्या है, लास्ट फोर डिजिट। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या करना, लास्ट फोर डिजिट लेना, ये 7961 लेना है। 7961 में आपको डिवाइड करना है 16 से, 16 4 जा 64, राइट, 15 6, राइट। तो ये आपका होगा 16 9 जा 144 12 1, 16 7 जा 112, डिवाइड रिमाइंडर 9। इसका मतलब ये क्या है, ये डिविजिबल नहीं है, ये नो, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, राइट है ना। पहला क्वेश्चन देखो, सबका पहला, इसका भी फर्स्ट आंसर है ना, इसका भी फर्स्ट, राइट है ना। अब इसमें चेक करो, राइट, 8 से 8 का मतलब लास्ट थ्री डिजिट। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते चलें, लास्ट थ्री डिजिट, राइट है ना, इज इट क्लियर, राइट। अब देखो लास्ट का थ्री डिजिट चेक करो, 256 है, क्या है, 256 है। तो 256 है, अगर आप इसमें, अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, राइट है ना, अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 3 जा 24 1 6, 8 2 जा 16, ये आपका कम्प्लीटली कैंसिल हो रहा है, ये आपका कम्प्लीटली कैंसिल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आपका कम्प्लीटली क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, राइट है ना। तो आप इस तरीके से, राइट है ना, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये भी आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, यस है। एक बार फिर से देखो नंबर सिस्टम में आपको ये सारे के सारे पढ़ने हैं, इससे एडवांस भी पढ़ना है। डिविजिबिलिटी रूल, इससे हर साल यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है। मैं अभी आपको डिविजिबिलिटी बाई 2 4 8 और 6, जैसे 2 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 की पावर 1, इसका मतलब लास्ट वन डिजिट डिवाइड बाई 2, राइट। 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, 32 को 2 की पावर 5, 64 की 2 की पावर 6, 128 को 2 की पावर 7, 256 को 2 की पावर 8, राइट। जैसे 4 है तो 4 को 2 की पावर 2, तो लास्ट टू डिजिट डिवाइड बाई 4, 8 2 की पावर 3, लास्ट थ्री डिजिट डिवाइड बाई 8, 16 लास्ट फोर, लास्ट का फोर डिजिट डिवाइड बाय 16, 32 का लास्ट का फाइव डिजिट डिवाइड बाय 32, इज इट क्लियर। इतनी बात मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, राइट है ना, अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ से अगर आपका रिमाइंडर पूछे तो इसका कम्प्लीटली डिवाइड है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आया, 9 आया, राइट। इसका रिमाइंडर कितना आया, इसका रिमाइंडर आपका 0 आया। अब आपको अब विजिबल हो रहा है हल्का हल्का, राइट। सर यूज डार्क कलर्स देन इट विल बी विजिबल, कहाँ पे डार्क कलर यूज करूँ, कहाँ पे मैं डार्क कलर, आप लोग मुझे इतना यूज करने के लिए बोलते हो ना, मेरे को खुद भी समझ में नहीं आता है, राइट है ना, मैं कहाँ क्या यूज करूँ, राइट है। देखो 8 का 5 6 7
एट नाइन टेन इलेवन है राइट। अब आप एट का मतलब लास्ट थ्री डिजिट जीरो वन वन राइट। तो एट में आप जीरो वन वन में डिवाइड करो राइट, है ना। तो एट वन या एट इलेवन में से एट गया थ्री, भाई ये डिविजिबल है एट से, आंसर नो। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इसका तीन होगा। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि शायद मेरे प्यारे बच्चे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। छोटा सा मैं आपको और दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप अपने दिमाग के ढक्कन को थोड़ा सा करने की कोशिश करें। मैं आपको लाइव प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये देखो ध्यान से राइट, है ना। देखो 8765439872 डिवाइड बाई 16 पहला क्वेश्चन राइट। सेकेंड क्वेश्चन 1 2 3 4 5 43 44 डिवाइड बाई 8 राइट, है ना राइट। थर्ड क्वेश्चन 2021 2 3 5 6 7 8 9 -99 1100 राइट, डिवाइडेड बाई आपका 32 डिवाइडेड बाई आपको 32 राइट। सबसे पहली बात राइट, है ना। पहला क्वेश्चन क्या डिविजिबल है, क्या विभाज्य है। दूसरा क्वेश्चन रिमाइंडर क्या होगा, सबका रिमाइंडर क्या होगा, इसका भी क्या डिविजिबल है। दूसरा क्वेश्चन रिमाइंडर क्या होगा, इसका भी क्या डिविजिबल है, इसका भी दूसरा क्वेश्चन रिमाइंडर क्या होगा। आराम से सोचो, आराम से यहीं पे प्रैक्टिस करो राइट। फर्स्ट का 3 रिमाइंडर है, क्लियर है सर। सब लोग अपना क्वालिटी बढ़ा करो। नहीं अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी भी मेरे को दिख रहा है ना, अभी भी दिख रहा है ना। क्योंकि देखो आपको ना ये कैमरे का जो लेंस है ना उसके अंदर धुंधला सा हो गया। ये हो जाता है 3-4 महीने 6 महीने में एक बार जो है ना ड्यूरिंग माई क्लास ऐसा प्रॉब्लम जो है ना हो ही जाता है राइट। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब ज़्यादा ही फैल रहा है। नहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद अब ज़्यादा ही फैल रहा है। सेशंस को सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर करो। तो अगर ऐसा फैलेगा तब तो हमें नहीं लगता क्लास हो पाएगी ना। नहीं अगर ऐसा फैलेगा तो मुझे नहीं लगता क्लास हो पाएगी। कोई बात नहीं, सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, सी सैट बाय संजय कुमार सा। थोड़ा सा फ़ोन की क्वालिटी बढ़ाओ तो मेरे प्यारे बच्चे अपने अपने फ़ोन की क्वालिटी को बढ़ाइए। तो टेलीग्राम में जा करके आपको सर्च करना है, पता है क्या सर्च करना है, पहला चीज़ राइट, है ना। सी सैट स्पेस बाय स्पेस संजय स्पेस कुमार स्पेस सा राइट। 11,000 साढ़े 11,000 से कुछ ज़्यादा है, मेरा लेटेस्ट पोस्ट देख करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा राइट। अच्छे तरीके से मेरा पर्सनल टेलीग्राम का लिंक है राइट, है ना। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आराम से करो। विजिबल तो हो रहा है थोड़ा बहुत। सर प्लीज़ क्लास कंटिन्यू करना, आप हम एडजस्ट कर लेंगे। एडवांस में करके देखो क्लियर दिख रहा है, ज्योति कुमारी कह रही है। सर फर्स्ट क्वेश्चन नॉट विजिबल, रिमाइंडर इज 545। ठीक दिख रहा है सर क्लियर। सर ऑफलाइन वाले का डेली क्लास होता है क्या सर? अरविंद कुमार कह रहे हैं कि सर ऑफलाइन वाले का डेली क्लास होता है क्या सर? क्यों होगा ऑफलाइन वाले का डेली क्लास है? क्यों होगा? डेली क्लास यूट्यूब वाले का ही होता है, रात को 10 बजे। ठीक है आप यहीं देखो ना, आप यहीं देखिए ठीक है राइट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन इज राइट। सर बाद में डाउट होता है पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं पूछ सकती हूँ श्वेता मिश्रा, क्यों नहीं? आप यहाँ भी पूछ सकते नहीं कह रहे हैं। देखो डिविजिबिलिटी बाय 16 का मतलब क्या होता है? लास्ट फोर डिजिट डिविजिबिलिटी बाय 16, क्योंकि मैंने आपको 16 को बताया था कि 2 की पावर 4, तो लास्ट में 4 डिजिट टू क्या 8723 राइट। तो आप क्या करो 8723 में डिवाइड करो किससे? 16 से। तो 16 5 जा 80 रिमाइंडर करोगे 7 आएगा, 7 by 2 16 4 जा 64 8 8 पे 3 16 5 जा 80 रिमाइंडर कितना आया 3। क्या ये डिविजिबल है? आंसर आएगा नो। रिमाइंडर कितना है 3। सभी अपना अपना आंसर मैच करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ राइट। 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब 2 की पावर 3 भाई। इतने भाई आपके एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है डिवाइड बाई 32, बताओ रिमाइंडर क्या होगा?
डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय इट रिमाइंडर क्या होगा, तब ऐसा मत करना कि कंप्लीटली डिवाइड करना चलना आपको, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट वे बता रहा हूँ। 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो 3 का मतलब लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट क्या है 344 है, डिवाइड बाय 4, 84 जा 32, 2 पे 4, 83 जा 24, कंप्लीट। डिविजिबल है यस, अगर कोई डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना होगा 0, रिमाइंडर कितना होगा 0, पॉइंट क्लियर है। अब विजिबल हो रहा है कंप्लीट, क्या अब आपका विजिबल हो रहा है राइट, हाँ राइट राइट। लक्ष्मी कह रही है सर व्हाट्सअप नंबर, अभी तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने नंबर अपना लिखा था एग्जाम्पल में ही दिया था राइट राइट। देखो ये आपका राइट, देखो ये आपको 2021 23 32, 32 को आप कैसे लिखोगे, 32 को लिखोगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो ये डिवाइड लास्ट में 5 डिजिट कितना है 9910 राइट है। देखो तो 9999100 को डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे आप 32 से, तो 32 3 जा कितना आएगा 96, कितना आएगा 310, फिर ये 0 राइट 310 राइट। तो 32 9 जा कितना आएगा 32 9 जा 18, 392 88 राइट, ये कितना आएगा 2 10 60 क्या 2 22 आया राइट, फिर एक फिर ये 10 आएगा राइट। तो 32 6 जा कितना आएगा 192 8 9 10 में से 9 11 9 3 2 2 2 2 2 2 28 राइट। क्या इंडिविजुअल है 9, रिमाइंडर कितना आएगा 28, क्या लास्ट वाले का रिमाइंडर 28 आया, बहुत अच्छा जियो मेरे से 24 होगा सर रिमाइंडर, आशीष किसका 24 होगा रिमाइंडर, आशीष किसका होगा 24 रिमाइंडर, 84 जा 32 2483 सही तो है, बिल्कुल सही है, कोई गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है राइट सर। क्लास की PDF नहीं मिलती है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा सर, मुझे 12th के बाद टेबल्स में दिक्कत आ रही है उसका क्या करूँ। बेटा पहला लेक्चर, अगर किसी को 12th में प्रॉब्लम है तो ये जो लेक्चर चैनल लेक्चर 1 से लेक्चर 2 प्लेलिस्ट में है उसको वहाँ पे आप कनेक्ट करके देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा ठीक है। चलो अब मैं आगे मूव करता हूँ, अब मैं जिस बच्चों को मेरा टेलीग्राम व्हाट्सअप नंबर चाहिए ना, जिसके पास नहीं है ना है ना, मैं बता दूँ ये है, देखो ये है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही देख करके मैंने आपको समझाया था राइट है ना, ये देखो ये है 8285727961 राइट 8285727961, इसको लेकर के आप मैं व्हाट्सअप पे नेम एजुकेशनल बैकग्राउंड और मीडियम मुझे मैसेज कर सकते हो ठीक है राइट। यू दिस नंबर, तो ये जो मेरा नंबर है 16 से क्या है डिविजिबल नहीं है, और 16 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। चलो ठीक है, अब आप यहाँ पे आप इस पॉइंट्स को लेकर के समझ चुके हैं, मुझे अच्छे से पता है, मैं और भी टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है ठीक है, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। अब देखो जैसे मान लो 5 है, आप 5 को कैसे लिखोगे 5 की पावर 1, 25 को कैसे लिखोगे 5 की पावर 2, 125 को आप कैसे लिखते हो 5 की पावर q, 625 को आप कैसे लिखते हो 5 की पावर 4 राइट 5 की पावर 4 राइट है ना। उसके बाद 3125 को कैसे लिखते हो 5 की पावर 5 राइट, आप इसको ध्यान रखिएगा, इतना ही ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 5 है तो लास्ट वन डिजिट क्या हो, लास्ट वन डिजिट डिवाइडेड बाय 5 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 25 हो राइट है ना, तो लास्ट टू डिजिट यानी कि अंतिम सबको विजिबल हो रहा है, अंतिम दो अंक जो है क्या होना चाहिए 25 से डिविजिबल है राइट है ना। ये सब टेक्निक्स लिख लेना है ताकि याद ना करना पड़े। अब विजिबल हो रहा है कम्प्लीटली, आई थिंक अब विजिबल हो रहा है, मैंने बोला था ना, अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अब किसी को सर रात में मैथ बनाती हो बहुत सारे डाउट्स होते हैं इसलिए पूछा मैंने, तो तुम श्वेता मिश्रा रात को पूछोगे मेरे से, पूछ लेना रात को जब क्लास चलता है ठीक है। देखो 125 राइट है ना, 125 तो ये है आपका लास्ट थ्री डिजिट राइट है ना, अंतिम तीन अंक डिवाइड किससे होगा 125 से होगा राइट। अगर डिविजिबिलिटी बाई 625 अगर आपको चेक करना हो तो क्या चेक करोगे मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट फोर डिजिट डिवाइडेड बाय 625 अंतिम फोर। अब ये मैसेज कर रही हो क्या, क्लास के बात करना, बहुत टुनटुन आ रहा है, बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर कोई भी नंबर 3125 से डिविजिबल है तो कैसे करोगे ये मुझे बताइए राइट।
मैं बोला था ना अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट है ना। इतना जल्दी थोड़ी ना आता प्रॉब्लम, ये भी तो ध्यान रखिए ना, ये तो मुझे पता है, राइट है ना। परफेक्टली दिख रहा है, दिखेगा है ना। सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर जरूर करते रहे, टोटल काउंट ऑफ नंबर बाय 9 अभी। अरे आराम से पढ़ो तो सही, आप क्यों फड़फड़ा रहे, राइट। अपने आप क्यों सोच रहे हो, आराम से करो, आराम से सोचो। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, राइट है ना। अगर आपका कुछ भी छूट जाए तो मुझे बताना बेटा, कुछ नहीं छूटने दूंगा आपका, राइट। जितना सारा क्वेश्चंस है, हर एक लेवल के क्वेश्चंस, सभी लेवल के क्वेश्चंस, आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन, सब कुछ जो है ना आपका जो है ना इंडिविजुअल हो जाएगा, सब कुछ जो है आपका चेक हो जाएगा इसी में। इसलिए आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको फड़फड़ाने की आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, राइट है ना। आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, राइट है ना। आपको जैसे कह रहा हूँ आप वैसे करो, राइट है ना, आराम से करो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट है ना, आपको देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे जैसे मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 5 डिवाइडेड बाई 125, राइट। यहाँ से भी दो क्वेश्चन, राइट है ना, चाहे क्वेश्चन नंबर ये सेकंड क्वेश्चन हो, चाहे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही हो, लास्ट में 19, 20, 20 डिवाइडेड बाई 25, राइट है ना, 3, राइट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7 3, 1, 2, 5 डिवाइडेड बाई 6, 2, 5, राइट राइट। अब मुझे बताओ कि किस नंबर से डिविजिबल है और रिमाइंडर क्या है, राइट। किस नंबर से डिविजिबल है और रिमाइंडर क्या है, राइट। किस नंबर से डिविजिबल है और आपका रिमाइंडर क्या है, किस नंबर से डिविजिबल है और ये आपका रिमाइंडर क्या है और आपका रिमाइंडर। देखना अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा फैक्ट आएगा, राइट है ना। ध्यान से देखिएगा, देखो तो पहले वाले को आप देखो, ध्यान से देखो आराम से, राइट। पहले वाले को देखो, पहले वाले देखो, पहले वाले को, राइट। अगर आप 125 को आप कैसे चेक करोगे, 5 की पावर 3, तो भाई लास्ट 3 डिजिट लेना है, लास्ट 3 डिजिट। तो 125 से 5, 6, 5 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 125 फोर जा कितना आएगा आपका 500, तो रिमाइंडर 65। क्या डिविजुअल है, आंसर नो। दूसरा इसी में रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना आया आपका 65। रिमाइंडर कितना आया आपका, सर आपने जो टॉपिक करवाया है सर उसके लिए प्लीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उस टाइप के डाल दे के हमारे प्रैक्टिस हो जाए, आई रिक्वेस्ट, थैंक यू, ठीक है। देखो अब 125 का मतलब कितना है, 5 की पावर 2, तो 2 का मतलब लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 20 है भाई। 20 में 25 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, राइट। इसमें देखो 625 को क्या लिखोगे, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 लिखोगे, 65 मज़ा आ गया, ठीक है ना। 5 की पावर 4 लिखोगे, लिखोगे 3125 में 5 की पावर 4, ठीक है। तो इसमें 3125 है, राइट है ना। अब देखो 3125 है डिवाइड बाई 625 करोगे, राइट है ना। इसमें करोगे डिवाइड तो डिवाइड 5 5 जा कितना आएगा, 3125 कैंसिल हो जाएगा ना। यानी ये जो नंबर होगा, ये नंबर आप चेक करो, डिविजिबल है, यस। रिमाइंडर क्या है, शेषफल कितना है, शेषफल कितना है, 0। ये बात आई समझ में, अगर जिसको भी समझ में आ रहा है प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SKS10। अगर नहीं आ रही है समझ में तो आप हमें SP शाह कोड का ही रिप्लाई करें, आराम से आराम से आराम से, सुरभि त्यागी आराम से समझो, आराम से एक एक करके, राइट। देखो एक एक करके इसको सही से समझो, देखो हमने आपको 2, 4, 8, 16, 32, 64, 136 सबका करा दिया, राइट। फिर आपको मैंने 5, 25, 125, 625, 3125 एटसेट्रा समथिंग समथिंग, राइट। मैंने आपका इतना करा दिया, राइट। एक एक कर को आराम से पढ़ो, सेशंस को सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, अकेडमी की तरफ से किसी को भी कॉल आए, किसी भी कैटेगरी में सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, बस आपको ये वाला रेफरल कोड यूज करना है SKS10। SKS10 कोड की ऐसी है माया, जिन्होंने गाँव के बच्चों को भी है सिलेक्शन का सूट है पहनाया, राइट। ओके, इज इट क्लियर,
इज इट क्लियर? तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करोगे, सी सैट स्पेस बाई संजय कुमार सा, सी सैट स्पेस बाय संजय कुमार सा। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, देखिए स्पीड बिल्डिंग टेस्ट भी आपको होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टेस्ट भी, बेसिक्स बिल्डिंग टेस्ट भी, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, क्लास स्टेट एंड एक्सरसाइज क्विक एंड कवर, राइट। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, देखो ध्यान से देखो एक बार, जिसको नहीं पता जो बच्चा अभी लेट सेट आए होंगे, ये वाला मैं आपका कंप्लीट हो गया 248 16 24, ये वाला हो गया, ठीक है। फिर आप इस पर एग्जाम्पल, फिर आपका ये वाला पर्सन हो गया, राइट। अब देखो इस पर देखो, अब देखो अगर मान लो आपका डिविजिबिलिटी बाई 3 हो, राइट, तो आप इसको कैसे करोगे, सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग डिवाइड बाय 3, राइट। अगर ये डिविजिबिलिटी बाय 9 हो, राइट, सम ऑफ ऑल डिजिट, राइट राइट, सभी अंकों का योग डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9, आराम से देखो ध्यान से, ये है आपका, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर डिविजिबिलिटी बाय 3 है, अगर डिविजिबिलिटी बाय 3 है मेरे प्यारे बच्चे, तो चुपचाप जितना भी नंबर्स होगा उसको डिवाइड, जैसे देखो, जैसे मान लो 258 है, राइट, 258 है। अब आपको चेक करना है क्या ये डिविजिबिलिटी बाय 3 है या नहीं, डिविजिबिलिटी बाय 3 है या नहीं, राइट, है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, देखो 2 + 5 + 8, तो 7 + 5 + 2 = 7 + 8 = 15/3 करोगे, तो ये कैंसिल हो रहा है, यस, इसका मतलब ये इससे डिविजिबल है, ये इससे डिविजिबल है। जैसे जैसे देखो 143 है डिवाइडेड बाय 3, तो 4 + 1 = 5 + 3 = 8, 8 डिवाइडेड बाय 3 नहीं, इसका आंसर क्या होगा, नहीं, आराम से समझो, आराम से, राइट। देखो देखो जैसे मान लो 7 × 9 / 9 है, 9 है, तो 7 + 2 = 9, 9 + 9 करोगे 18, 18 / 9 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब होगा यस। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, राइट, अब मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ, राइट, हाउ यू विल थिंक, राइट, है ना, मैं आपको इसका सोचने का तरीका दे रहा हूँ, टू थिंक प्रोसेस दे रहा हूँ, राइट, हाउ टू थिंक, राइट, हाउ टू थिंक क्विकली, राइट, है ना, हाउ टू थिंक क्विकली, राइट, हाउ टू थिंक क्विकली, हाउ टू थिंक क्विकली का मतलब पहली चीज़ देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी चीज़ 3 के मल्टीपल्स में आ रहा है 3 के, तो 3 से कैंसिल कर दो, 9 में आ रहा, 9 का मल्टीपल आया तो कैंसिल कर दो, जैसे देखो जैसे देखो जैसे अभी आपको दे रहा हूँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपको एग्जांपल, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ध्यान एक बार, सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट लिखो कमेंट सेक्शन में, सम ऑफ ऑल डिजिट, सेशंस को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करो, राइट। देखो जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 3, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 डिवाइडेड बाई 9। अब देखो अगर आपको इतने लंबे डिजिट्स को अगर आपको चेक करना है, इतने लंबे डिजिट्स पे अगर आपको चेक करना है क्या वो नंबर, क्या वो संख्या 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है या नहीं, राइट, है ना। तो आप कैसे चेक करोगे, आप कैसे चेक करोगे, ये देखो देखो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात देखो, 3 के टेबल में ये आता है कैंसिल कर दो, 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9 कैंसिल कर दिया। अब देखो 4 + 5 4 + पहले पहले लिखना बंद करो, पहले समझने पे फोकस करो, राइट, पहले लिखना बंद करो सभी लोग, पहले समझने पे फोकस करो, राइट, है। देखो 4 + 5 9 कैंसिल कर दिया, 2 + 7 9 कैंसिल कर दिया, डिविजिबल बचा नहीं, क्या बचा आपका 8 बचा, क्या बचा 8 बचा, 8/3, इसका मतलब क्या डिविजिबल हुआ, डिविजिबल हुआ। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या डिविजिबल है, इज इट डिविजिबल, आंसर क्या आएगा, नो। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे रिमाइंडर पूछेगा तो रिमाइंडर पूछेंगे, ये बेवकूफ़ी मत करना है ना फिर से कि कंप्लीट नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो, ऐसा मत करना, राइट, सीधा सीधा SSM फंडा क्या है, अगर यहाँ पे 8 बचा, जब 3 से 8 में डिवाइड कर दो सीधा, 3 से 8 में 3 × 2 = 6 रिमाइंडर क्या बचा 2, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2, दैट्स इज द सिंपल पॉइंट। 9 में देखो, 9 में ये 9 कैंसिल, 9 में 5 + 4 = 9 कैंसिल, राइट, ध्यान 3 और 6 = 9 कैंसिल, जहाँ जहाँ 9 से 4 कैंसिल कर दो, राइट, देखो 9 से कैंसिल कर दो,
ओके देखो 2 + 7 9 कैंसिल, 8 + 1 9 कैंसिल राइट। अब देखो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 4 + 2 6 6 by 9, 9 से 6 में नहीं जाएगा डिवाइड। तो पहला क्वेश्चन क्या ये डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा नो। दूसरा क्वेश्चन रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 6 होगा, रिमाइंडर क्या होगा 6 होगा। आराम से समझो आराम से राइट। अगर आप स्लोली स्लोली नहीं समझने पे फोकस करोगे, जल्दीबाजी करोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो कुछ नहीं हो पाएगा राइट, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ केवल समझने पे ध्यान रखिए, फोकस कीजिए लर्निंग प्रोसेस पे, ताकि आप इसको इस टाइप के चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें और अपने लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें राइट। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, अच्छे तरीके से समझ, रिमाइंडर 6 होगा राइट। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ राइट, है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से, मैं देखता हूँ कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो राइट, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो ठीक है। आपको क्वेश्चन बताना है, रिमाइंडर भी बताना है ठीक है, चुपचाप ठीक है। ये पीडीएफ चाहिए क्या, इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, ये वाली इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हैं। चलिए चलिए ठीक है, देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8 3 4 5 7 2 0 डिवाइडेड बाय 3 राइट। डिविजिबिलिटी भी बताना है, रिमाइंडर भी बताना है, आराम से करो। हो आराम से, सभी रोशेशंस को लाइक और शेयर जरूर करना, आराम से करना सॉल्व, है ना, आराम से करना, अपना दिमाग मत लगाया करो राइट, है ना। अभी अपना ब्रेन मत यूज करो, जितना देर उतना करो, क्योंकि मैं आपके पास आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लेकर, मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, होगी आपका मेरे साथ नॉलेज की बरसात, होगा मेरे साथ आपका नॉलेज का बरसात। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू My dear friends and future IAS officer, is it clear? Yes, you know. आराम से करना। आराम से सोचिए, आराम से, क्लियर। आराम से सोचो,
क्लियर? देखो आराम से, देखो आराम से सोचा, देखो मैं बताता हूँ, थर्ड का रिमाइंडर शायद नहीं, ऐसे मत किया करो, आराम से देखो। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो, अगर ये डिविजिबिलिटी बाई थ्री है तो डिग्री का मतलब देखो, ये थ्री थ्री का जो मल्टीपल है इसको कैंसिल कर दो, सिक्स हो गया कैंसिल हो गया, सेवन प्लस टू नाइन, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी नाइन कैंसिल हो गया, राइट। देखो थ्री प्लस फाइव एट, थ्री प्लस फाइव सिक्स भी कैंसिल हो गया, थ्री भी कैंसिल हो गया, फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व, ये भी कैंसिल हो गया, सो सिंपल। पाँच चार नौ, ये भी कैंसिल हो गया, थ्री ये भी कैंसिल हो गया, और तो सारा कैंसिल बचा क्या आपका, एट बच गया ना, एट बच गया ना, एट बच गया ना, एट बच गया, राइट, है ना। तो एट बाई थ्री, भाई थ्री से एट में तो डिवाइड होगा नहीं, आंसर क्या आएगा, नो। अगर रिमाइंडर की बात करोगे तो थ्री से एट, एट एट में अगर आप थ्री से डिवाइड करोगे तो थ्री टू या सिक्स, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, दो बचेगा। अब आप इसमें थ्री से चेक कर दो, कितना सिंपल है, थ्री का मतलब थ्री, थ्री का मतलब थ्री, फिर नाइन कैंसिल, फिर सिक्स कैंसिल, एट प्लस वन नाइन कैंसिल, राइट, फिर ये थ्री कैंसिल, फिर ये थ्री कैंसिल, फिर ये थ्री, फिर ये नाइन कैंसिल, यस या नो। एट प्लस वन नाइन, ये भी कैंसिल, टू प्लस वन थ्री, ये भी कैंसिल, फाइव प्लस फोर नाइन, ये भी कैंसिल, राइट, नाइन ये भी कैंसिल, सेवन प्लस टू नाइन, ये भी कैंसिल, टू प्लस वन थ्री, ये भी कैंसिल। और कहीं छूट रहा है क्या, और भी कहीं छूट रहा है क्या, और भी कहीं हो रहा नहीं, डिविजिबल है ना ये, तो थ्री से डिविजिबल नहीं हो रहा यार, क्योंकि ये तो सारा ही कैंसिल हो गया ना। देखो क्या आ रहा है, दूसरे का क्या आ रहा है, दूसरे का क्या आ रहा है, अच्छा अच्छा ये हाँ, टू प्लस वन थ्री, ये भी नहीं हो रहा, राइट, ये भी नहीं हो रहा, राइट। इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, यस। इसका रिमाइंडर कितना होगा आपका, जीरो होगा, क्लियर। अब इस नाइन में देखो, नाइन का मतलब, नाइन का देखो, सेवन प्लस वन प्लस वन, नाइन कैंसिल, राइट, फोर टू प्लस थ्री, फोर प्लस फाइव, नाइन कैंसिल, राइट, एट प्लस वन नाइन कैंसिल, राइट, एट प्लस वन नाइन कैंसिल, ओके। और कोई छूट रहा है क्या, और को और बताओ, पाँच और छः ग्यारह, और सात अठारह, नाइन टू जाए एटीन कैंसिल, राइट, पाँच और तीन आठ, सात पंद्रह, और तीन अठारह, ये और ये कैंसिल, ये भी डिविजिबल है, यस। इसका रिमाइंडर कितना होगा आपका, जीरो, कंप्लीट है भाई साहब। थ्री और नाइन बिल्कुल डिटेल में पढ़ो, आराम से पढ़ो, राइट। सबको अगर ये वाली बात आप सभी को समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एस के एस टेन कोड का रिप्लाई करो, वरना आप हमें एस पी शाह कोड का रिप्लाई करो, वरना एस पी शाह कोड का रिप्लाई करो। आराम से समझो, आराम से समझो, आराम से, आराम से समझो, आराम से समझो, आराम से, आराम से समझो, आराम से। देखो अब मैं आपसे एक बात आपको बताता हूँ, राइट, एक बात आपको बताता हूँ, राइट। चाहे थ्री हो चाहे आपका यहाँ पे नाइन हो, देखो थ्री हो चाहे आपका नाइन हो, अगर भाई मान लो, अगर मान लो, अगर मान लो कोई भी नंबर, अगर मान लो कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाई थ्री है, राइट, यानी कि तीन से विभाज्य है, तीन से विभाज्य का मतलब, तीन से विभाज्य का मतलब हमारे पास क्या मैसेज आता है, कोई भी नंबर किसी भी चीज़ से डिविजिबिलिटी है, कोई भी नंबर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर किसी भी चीज़ों से, कुछ भी चीज़ों से, किसी भी चीज़ से अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर जीरो होगा, रिमाइंडर जीरो होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, इसका मतलब कुछ भी नहीं, रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब जीरो होगा। कमेंट सेक्शन में सभी लोग जीरो 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 तक रहिए, राइट, ओके। पहली बात ये, तो भाई साहब यहाँ से आपको बातें क्या समझाएंगे, अगर आपके एग्जाम पूछा जाएगा भाई थ्री से डिविजिबिलिटी है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी डिजिट्स, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी डिजिट्स, अगर डिजिट्स पूछा जाएगा कौन कौन से डिजिट पॉसिबिलिटी है अगर थ्री से डिविजिबल है, भाई थ्री से जब भी डिविजिबल होगा तो देखो, एक तो आपका जीरो पॉसिबिलिटी होगा, जीरो, थ्री का मतलब फिर थ्री का मल्टीपल, फिर थ्री होगा, फिर सिक्स होगा, और फिर ये आपका नाइन होगा। ये बात समझ में आ रही, जीरो होगा, थ्री होगा, सिक्स होगा, नाइन होगा, ये आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है, टोटल वन टू थ्री फोर, क्योंकि देखो भाई जीरो, अगर जीरो है, जीरो से ऑल नंबर, ऑल नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिविजिबल बाय जीरो, डिविजिबल बाय जीरो, जीरो से,
क्योंकि देखो जीरो वन से भी डिविजिबल है, टू से भी, थ्री से भी, फोर से भी, फाइव से भी, सिक्स से भी, एट से भी, नाइन से भी, जीरो। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है। चुपचाप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, है ना, हमेशा सेशंस को लाइव ही देखो, रिकॉर्डिंग मत देखो। द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जीरो, राइट, है ना। क्योंकि अगर आपका जीरो है, जीरो के बाद अगर मान लो आपका थ्री है, तो फिर सिक्स भी होगा, नाइन भी होगा। ये पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। ये मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूँ, राइट, है ना। क्योंकि देखो इसके बीच का डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस, भाई साहब अगर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, इसको आप छोड़ ही दो, इस पर आप मत दिमाग मत लगाओ। इसको मैं आपको दिमाग लगाने दूँ क्या, दिमाग लगाने दूँ क्या अभी, पॉसिबिलिटी डिजिट, सर इसको तुम छोड़ो, इसको मत अभी मत तुम देखना दिमाग, अभी मत इसको दिमाग में लगाना, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ और, इसको मत अभी दिमाग में रखो, ठीक है। इसको अभी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, चेक करना। मेरा कहने का मतलब है कभी डिविजिबिलिटी बाई थ्री है तो आप एक एक ना एक एक डिजिट्स को चेक करना, राइट, एक एक डिजिट्स रख के चेक करना। जीरो भी रखना, एक भी रखना, दो भी, तीन भी, चार भी, पाँच भी, सिक्स भी, सेवन भी, एट भी और नाइन भी, फिर आप उसका आंसर चेक करना। मैं आपको दिखाता हूँ आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद मैं आगे इम्प्रूव करूँ, आगे बढ़ता हूँ। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपके एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, राइट, है ना, आपके एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, राइट, ताकि आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि यूपीएससी क्या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है कि नहीं पूछ रही है। ये देखिए आपको, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए मैं दिखाता हूँ, राइट, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ओके, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको और भी एग्जांपल्स वगैरह कराऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ ताकि किस लेवल के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है। हाँ ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चंस आपको ये विजिबल होगा। पहले आप इस क्वेश्चंस को लिखो, पहले आप इस क्वेश्चंस को लिखो, इस क्वेश्चंस को लिखो पहले। इज इट विजिबल, क्या क्वेश्चन सबको विजिबल हो रहा है ना। क्लास का टाइम थोड़ा जल्दी रखिए, अंशु सैनी जल्दी रख रहा हूँ अभी। देखो संडे को ऐसे क्लास होती नहीं है, कल मैंने क्लास नहीं लिया था इसीलिए मैंने लिया इस क्वेश्चन क्लास। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो एन एट डिजिट नंबर, ये एट डिजिट का नंबर दिया होगा, राइट। इसमें जब आप थ्री से डिवाइड करते हो तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो हाउ मेनी वैल्यू ऑफ बी आर पे, यानी बी के जगह क्या क्या होगा ये आपको चेक करना है, बी के जगह क्या क्या होगा ये आपको चेक करना है। हिंदी में भी दिखाता हूँ, हिंदी में, पहले इंग्लिश में देख लो, हिंदी में भी दिखा देता हूँ, है ना। पहले इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, राइट, राइट डाउन करो, एक एक क्वेश्चन लिखो, आराम से लिखो, आराम से, राइट, क्योंकि अभी सेवन का भी, कल वाली क्लास आज के क्लास से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दूँ। कल वाली क्लास जो है वो आज के क्लास से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल वाली क्लास आज के क्लास से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, राइट। इसलिए कल वाली क्लास को कोई भी मिस मत करना सर। हाँ मेरी क्लास का टाइम सुनील कुमार पासवान बेटा 10 PM है, राइट, रेगुलरली रात को मैं 10 PM आता हूँ। टेलीग्राम लिंक को अभी सर्च करिए, सीसैट बाई संजय कुमार सा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, राइट। सर बोर्ड फुल नहीं दिख रहा है, अरे ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है, येलो ना, येलो ना, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। सर आप क्लास का टाइम 9 बजे कर दो। नहीं नहीं 9 बजे नहीं हो जाएगा, आपके कहने से 9 बजे नहीं होगा, ठीक है। हिंदी में भी बता देता हूँ, ये लो ना, ये लो ना, हिंदी में, हिंदी में भी दे देता हूँ, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो ये लो, हिंदी में भी दे देता हूँ, राइट, ये लो हिंदी में भी, हिंदी में भी ले लो, हिंदी वाली क्लास में। आज नहीं मिला, कल मिलूंगा, कल मिलूंगा। सेशंस को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, राइट, कल मिलूंगा, कल मिलूंगा, कल मिलूंगा, कल मिलूंगा। आराम से सोचो, आराम से, आराम से सोचिए। आराम से, अभी तो ये शुरुआत, अभी पता नहीं इसमें कितनी बार क्लास चलेगी, राइट, है ना, अभी तो आपको नहीं पता है।
तो क्लास कितनी लंबे देर तक क्लास चलेगी, इस बार भी कोई क्वेश्चन आया था? आराम से चेक करो, आराम से। आराम से टोटल पहले इसका सम बताओ, टोटल कितना आएगा? राइट, टोटल इसका सम बताओ, टोटल सम इसका कितना आ रहा है? आप मुझे बताइए टोटल इसका सम कितना आ रहा है, या थ्री से कैंसिल कर दो अपने आप, फटाफट देखो अपने आप क्विकली आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो सुनो, 30 आ रहा है ना, इसका मतलब देखो 30 में आप एक बार जीरो ऐड करो, वन ऐड करो, टू ऐड करो। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, देखो अगर ये मान लो कि 4 2 5 2 7 4 6 बी डिवाइडेड बाई 3 है, राइट। अब देखो ये डिविजिबल बाई 3 है, देखो 4 प्लस 2 6, ये भी राइट, 6 भी डिविजिबल है, राइट, है ना। 5 प्लस 2 7 7 14 प्लस 14, ये भी तो बचा क्या, बी, राइट। अब देखो जो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो बी के जगह क्या हो सकता है, देखो बी के जगह 0, बी के जगह 1, बी के जगह 2, बी के जगह 3, राइट, बी के जगह 4, बी के जगह 5, बी के जगह 6, बी के जगह 7, बी के जगह 8, बी के जगह 9, राइट, बी के जगह पूछा है ना, पूछा है ना, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ बी आर पॉसिबल, वैल्यू ऑफ बी यानी बी का मान क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती, पॉसिबल वैल्यू पूछा रहा है, तो बी के जगह क्या पॉसिबल हो सकता है, देखो पॉसिबल वैल्यू, राइट। देखो भाई पहली बात जीरो तो होगा ही होगा, राइट, जीरो होगा, राइट, है ना, फिर वन नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, थ्री होगा क्योंकि थ्री से थ्री डिविजिबल, फोर भी नहीं होगा, फाइव भी नहीं होगा, सिक्स होगा, सेवन भी नहीं होगा, एट भी नहीं, नाइन होगा, राइट। तो बी की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 और 4, आंसर क्या आएगा आपका सी, 4 वैल्यू जो है पॉसिबल है, 4 वैल्यू जो है पॉसिबिलिटी वैल्यू, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, यस, ऐसे पूछा जाएगा, लकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही पूछा जाएगा। आप खुद ही सोचो ना, मान लीजिए 30, तो 30 प्लस 0 30 30, फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट, 30 प्लस 3 33 3 11, ये भी हो जाएगा, 30 प्लस 6 36 3 प्लस 6 9, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, 30 प्लस 9 39, ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ की जो पॉसिबल वैल्यू है बी विल बी 0 3 6 एंड 9, सो जो द कंप्लीट वैल्यू ऑफ बी आर पॉसिबल आर 4 पॉसिबिलिटी वैल्यू, राइट, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, राइट, इसलिए आंसर इसका सही होगा। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ सेम कॉन्सेप्ट से, राइट, सेम कॉन्सेप्ट से, देखो ना दिखाता हूँ, सेम पॉसिबिलिटी बताता हूँ आपको, ये देखो दिखाता हूँ, देखो ना एक और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछी हुई है। इसलिए कह रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, डिविजिबिलिटी रूल को आप हल्के में मत लेना, राइट, है ना। अभी तो ये हमारी शुरुआत है, लेकिन पता नहीं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे हमारी और भी क्लासेस, हर एक लेवल के क्वेश्चन आपका होगा, इसलिए आराम से करो। कहाँ गया, हाथों में दर्द करने लगता है, ये है क्या, ये है क्या, है भी या नहीं है, कहाँ चला गया, रुको रुको मैं दिखाता हूँ, अभी तो मैंने देखा था जी, अभी तो मैंने देखा था,
चला गया। सही में भाग क्वेश्चंस भाग गया क्या? एक सेकंड रुको, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ। राइट, मैंने कहाँ चला गया? इतना आसान सा क्वेश्चन था। 2000 ये तो था क्वेश्चन। हाँ ये रहा क्वेश्चन, ये देखो मैंने बोला ना आपको, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। देखो इस बार भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था आपको, भले ही आपको याद नहीं हो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपके एग्जाम के रिलेटेड। राइट, देखो देखो ध्यान से देखो, 136 को ऐड करना है किससे? 5B7 से। जो भी ऐड करने के बाद आएगा सम ऑप्टेंड जो आएगा वो 783 आएगा, यानी 136 को 5B7 से ऐड करोगे तो 783 आएगा। जहाँ पे ए और बी इंटीजर है, इसको भूल ही जाओ, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। बस ये मतलब है कि ये जो 783 जो डिवाइड करने के बाद आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 है। दैट्स इट द सिंपल पॉइंट, द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी आर। देखो मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्वेश्चन को समझिए मेरे प्यारे बच्चे। देखो ध्यान से समझो, मान लो कि आपका 136 है, ठीक है 136 है, और ये है आपका 5B और आपका 7। इसको आपको ऐड करने पर आपका आता है 7A3, और ये जो 7A3 है ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 है। अब आप आराम से सोचो, देखो कैसा क्वेश्चन UPSC पूछ रही है, बेसिक से। राइट, आराम से पूछो, आराम से पूछो, आराम से समझो, आराम से। क्वेश्चंस कैसे नहीं है लक्की? लक्की आज तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ऐसे ही दिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस बहुत है। राइट, क्वेश्चंस का भरमार है मेरे पास। राइट, आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा ना तो आप हिल जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप टेंशन ना लो। राइट, है ना, आप टेंशन ना लो, चुपचाप लाइव में डेली आओ, पढ़ो, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो। राइट, है ना, फालतू की बातें नहीं होगी यहाँ पे, फालतू की बातों के लिए यूट्यूब पे बाबाओं की कमी तो है नहीं। राइट, इसलिए आराम से पढ़िए, 5 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगी। रीना की रसोई, ज्योति रानी, उन्नत चौरसिया, परवीन गुप्ता, क्या हालचाल हैं? ठीक है, महेंद्र प्रताप, आराम से सभी रोशेशंस को लाइक और शेयर जरूर करिए। राइट, क्लियर? क्या जी आ रहा है आपका आंसर? कुछ सोच पा रहे हो? कुछ सोच पा रहे हो? आराम से सोचो, आराम से। राइट, पहले आप इसको इसको ऐड करोगे, जो भी 7A3 होगा, यानी A की जगह क्या क्या पॉसिबिलिटी वैल्यू है जो 3 से विजिबिलिटी है, आपका B की वैल्यू पूछा है, इट विल टेक अ टाइम, प्लीज टेक योर टाइम। राइट, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको क्लास में कराऊंगा। राइट, इस सिस्टम, यार एक क्वेश्चन इस बार भी 2023 में भी पूछा गया था मेरे पास, इसी साल का क्वेश्चन पेपर है। राइट, है ना, एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, याद है? मैं आपको दिखाता हूँ, AB and CD 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। मल्टीप्लीकेशन AC, AB, CD, AB and CD, AD, 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 AD,
से पूछा तो गया था ऐसे। चलिए ठीक है, वो तो मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। ठीक है,
चलिए, आया कुछ सोचा आपने कैसे 8 होगा भाई, 7-8 दोनों कैसे होगा सर? देखो मैं बताता हूँ, आराम से देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो है ना आपका, ये देखो पहली बात तो 7+3 देखो, 3 देखो बी 3 तो भाई, अगर आप यहाँ पे पहली बात ये चेक करो कि 7a3/3 तो 3 से तो 3 कैंसिल ही हो जाता, बचा क्या 7+a तो a की जगह क्या होगा, देखो a की जगह 0 तो नहीं होगा, 7+0 0, 7+1 8, 7+2 होगा तो 9 होगा, जब 2 होगा तो 7+3 5 होगा, फिर ये 12, फिर 7+8 होगा, 5+8 ये 15 होगा, अब 8+3 11 नहीं, क्योंकि भाई जो यहाँ पे डिजिट्स हो सकता है 0 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कि ए की जगह क्या क्या हो सकता है, या तो 2 या तो 5 या तो 8, राइट? यानी कि ए की जगह क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 8 होगा, तभी 7 2 3 होगा तभी 3 से डिविजल होगा, 7 5 8 3 होगा तभी होगा, 7 8 3 होगा तभी डिविजल होगा, राइट? ये ध्यान रखिएगा, ये इस पॉइंट्स को ध्यान रखिए। अब देखो ध्यान से, 6+7 13 का 3 कैरी यहाँ पे 1 हो गया, कैरी यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 हो गया। अगर कैरी आपका यहाँ पर बेटा 1 हो गया तो 3+1 3+1 4, तो भाई साहब अगर यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका 4 हो गया तो बी के जगह तो पहली बात 1 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा बी के जगह 1, कोई बता सकता है? अगर बी के जगह 4+1 अगर 5 हो गया तो यहाँ पे 5+1 क्या है 6, तो यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे क्या है 6 से ज़्यादा 7 है, अगर 5+1 यहाँ 6 से ज़्यादा 7 है तो इसका मतलब है यहाँ पे जरूर 10 से ज़्यादा वैल्यू हुई होगी जिसका कैरी यहाँ पे 1 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझो पहले ध्यान से, राइट? 5+1 6 है, राइट? इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं होगा, जब 1 नहीं होगा तो इसका मतलब 5 तो होगा नहीं, 1 नहीं होगा इसका मतलब 5 होगा नहीं, तो बी की जगह 1 है भी नहीं। अब देखो 4, बी की जगह यहाँ पे 4 भी नहीं होगा, इसका मतलब 8 भी नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर बी के 3+1 4+4 अगर करोगे तो 8 आएगा, तो भाई फिर आगे 5+1 6 तो होता नहीं है, 5+1 हमें यहाँ पर 7 चाहिए, तो 7 होने के लिए 5+1 6 से ज़्यादा, यानी कि पीछे से एक कोई न कोई कैरी आना चाहिए, इसका मतलब है कि 3+1 4 9 से ज़्यादा वाली वैल्यू होगी, 9, तो 4 3+1 4+6 6, अब यहाँ पे 2 बचा, तो 2 के लिए बी की जगह क्या होगा यहाँ पे 8 होगा, क्या होगा 8 होगा। तो अब देखो इसको बताता हूँ कैसे होगा, देखो 1 3 6 5 8 7 / 7 2 3 होगा, ये वाली वैल्यू आपका बी होगा, ये वाली वैल्यू आपका 1 होगा, वैल्यू ऑफ बी, बी इज 8, आंसर इज क्या होगा आपका डी होगा, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। हाँ 2 5 8 रख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो 7+6 13 का 3 कैरी 1, तो 3+1 4 4+1 5 तो चलो 5 हो गया, अब 4+1 5 तो 5+1 6 तो होगा नहीं ना, अगर यह 5+1 6 है तो हमें यहाँ पे 7 के लिए पीछे से कैरी चाहिए, इसलिए यहाँ पे 5 भी नहीं होगा। अच्छा 8 है तो 3+1 4+4 करोगे तो फिर 8, फिर यहाँ पे 8 भी नहीं होगा, तो 3+1 4 बी की जगह फिर 8 होगा, तो 4+8 12 का 2 कैरी 1 5+1 और 1 6, इसलिए 7 आएगा। अब आई बात समझ में, राइट? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कराना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन देना है, और आपको अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आपका जो एक्चुअल पावर ऑफ लर्निंग है इसी तरीके से आपको बढ़ेगा। अभी तो आपका कुछ भी नहीं हुआ, इस पॉइंट्स को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी तो आपका कुछ भी नहीं हुआ, इस पॉइंट्स को आप समझिए अच्छे तरीके, देखो जैसे देखो divisibility by 7, divisibility by 11, divisibility by 13, divisibility by 37, divisibility by 101, divisibility by 100, राइट है, देखो इन सभी का राइट 1 डिजिट में हो तो कैसे आप चेक करोगे, 2 डिजिट का नंबर हो तो कैसे चेक करोगे, 3 डिजिट में, ध्यान रखना कल वाला सेशन, ये वाली जो क्लास है ना टुमारो होगी, कल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, जितना मैंने आपको कराया, राइट है ना, आपको मैंने कराया, कल वाला सेशन आज वाले सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
कल जरूर 10:10 PM तक लास्ट लाइव आना है, 10 बजे से लेकर के 10:10 PM के बीच में आप लाइव जरूर आना, क्योंकि मैं कल आऊँगा। इसका लिंक मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चे, मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम आप सभी को पता ही है, CSAT by Sanjay Kumar सा राइट हैंड, अच्छे तरीके से वहाँ पर ज्वाइन करिए, बेहतर तरीके से आप वहाँ पर फोकस करिए। बाकी कल वाली इस क्लास में हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, दिन रात एक करेंगे, खूब अच्छे तरीके से मेहनत करिए। अब किसी को कोई भी डाउट्स हो राइट है ना, तो मेरा टेलीग्राम का लिंक है राइट है ना, मेरा टेलीग्राम का लिंक है CSAT by Sanjay Kumar सा। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, अभी बताया तो मैं, कुछ भी हो आप टेलीग्राम में अभी सर्च करो है ना, जितना जल्दी हो आप टेलीग्राम में सर्च करिए CSAT Space Portal। यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, IITians का ग्रुप है, यानी तो CSAT Space by Sanjay Kumar सा अभी सर्च करिए, अब ज्वाइन करिए CSAT Space by Sanjay Space Kumar सा राइट, 11,000 से प्लस है राइट, अभी आप ज्वाइन करिए राइट है ना। इस पर क्वेश्चंस आपको दूंगा, राइट है ना। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, कैसा लगा क्लास का सेशन, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको लग रहा है कि हमारे एक्चुअल पावर ऑफ लर्निंग बढ़ी है? अगर अच्छा लगता है राइट है ना, अगर आपको अच्छा लगता है राइट है ना, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे, कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हो राइट है ना, अगर वहाँ पे मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन DAR सेशन को जरूर शेयर कीजिए आपके घर परिवार में, जिसका भी मैथ्स बहुत वीक है, लेकिन चाहे आपके मेडिकल बैकग्राउंड, चाहे आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड हो, मैं एक एक चीज़ों को स्लोली मोड में बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ राइट है ना। इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी इसी चैनल पे है राइट है ना, CSAT by Sanjay, आप देख ही रहे टेलीग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, अच्छे से फॉलो कर सकते राइट। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, किसी को भी अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना राइट, कोई भी कुछ भी करना राइट है ना, तो यू हैव टू यूज दिस रेफरल कोड SKS10 राइट। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की क्लास मिलेगी राइट है ना, सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की क्लास मिलेगी, सभी एजुकेटर की क्लासेस को आप एक्सेस कर पाओगे राइट, और आप जरूर मेरे साथ पर्सनली टच रहेगा, मुझसे डायरेक्टली बात करके आप कनेक्ट कर सकते हो और अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हो। एज ए जितना हो सकेगा मैं आपके लिए जरूर गाइड करूँगा ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट एंड टेक केयर, बाय बाय राइट, ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, फिर मिलते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ये देखो टेलीग्राम लिंक को तो ज्वाइन कर ही लेना सर्च करके, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में देखो जाओगे तो आपको दिख जाएगा राइट। आप बिटवीन डिस्क्रिप्शन में जाओ ना, सब्सक्राइब नाउ, 20-50% डिस्काउंट का ऑफर, फ्री एक्सेस क्लास देख सकते हो, मेरे कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे आइकॉनिक का लेना हो राइट है ना, चाहे अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक का, लाइट का लेना, टेस्ट का लेना हो, मेंटरशिप का लेना हो, कोई भी लेना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा, देखो डिस्क्रिप्शन में दिया है सब्सक्रिप्शन का लिंक ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड लेट्स क्रैक इट। Thank you.